बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में जारी है। हाल की उपलब्धियों को देश के सामने रखेगी बीजेपी। कोविड से निपटने में सफलता पर बैठक में प्रस्ताव संभव है। ये देखिए, ये एक नई अपडेट आ रही है। विकास को रफ्तार देने में की गई पहल पर भी चर्चा होगी। यानी कुल मिलाकर 7 साल में जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां रही हैं, उनका एक खाका पेश करने की कोशिश आज की कार्यकारिणी की बैठक में की जाएगी। उपलब्धियों को सामने रखा जाएगा और फिर बाद में कमियों पर होगी चर्चा। कहां कमी रह गई, उस कमी को दुरुस्त करने की कोशिश होगी, रणनीति बनाई जाएगी और इसको लेकर तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ देखिए अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और अनुराग भदौरिया, अब बात हो रही है यहाँ पर बीजेपी की रणनीति की, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी चर्चा बार बार करने की कोशिश कर रही है अखिलेश यादव की जिन्ना नीति की। क्या कुल मिलाकर जिन्ना को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उस पर फिलहाल समाजवादी पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकारिणी में विकास की रफ्तार के लिए तेज, विकास की रफ्तार को तेज करने पे बात करेगी। भैया, कौन सा विकास की रफ्तार तेज करने की बात करेगी? 5 साल की तो सरकार उत्तर प्रदेश में हो गया। हाँ, वो जरूरी है कि कहेंगे अभी हमने 8 रौंदे हैं और ज्यादा रौंदने की रफ्तार की तेज करेगी, तो बात दूसरी है। अभी हमने एक अपना एक जो क्रिमिनल कहता है अपने आप को मैं गुंडा हूं, उसको हमने गृह राज्य मंत्री बनाया है, उसमें रफ्तारी तेज कर सकते हैं। 2-4 और शायद गृह राज्य मंत्री बना दें, इस टाइप के और मंत्री बना दें जिनके ऊपर इस टाइप के मुकदमे हो, आपराधिक हो सकता है कि और इस तरह की घटनाओं को वो प्रोत्साहित दे, जहां पे जिस तरह की घटनाएं महिलाओं का अत्याचार देने में यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। कमाल है भाई, बीजेपी विकास की बात करती है तो जनता हंसने लगती है। इनका विकास होता है नफरत, नफरत के अलावा इनका कोई विकास तो है नहीं। और विकास की नाम बोलो तो विकास के नाम पे इन गिनाने को काम नहीं होता। विकास की बात करो तो आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हैं। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से उन्होंने बोला, समाजवादी ने बोला कि भाई समाजवादी विकास की राजनीति पे जोर देती है, समाजवादी समाज उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करती है, उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाए इसके लिए समाजवादी काम करते हैं। समाजवादी का काम नहीं, अनुराग जी देखिए, अब आपने अभी मैंने आपसे पहला सवाल लिया और आपने इतने ढेर सारे मुद्दे गिना दिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये बात चुप तो रही होगी ना कि ये सारे मुद्दे छोड़कर बहस जो है वो जिन्ना पर आ गई है। जिन्ना का जिन बोतल से एक बार फिर बाहर आ गया, ये किसकी वजह से हुआ इस बार? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी शब्दों को तोड़ना मरोड़ना जानती है, क्योंकि उसको उस पर रहना ही नहीं है। अब देखो, अभी 4-5 दिनों से बीजेपी के नेता देखो क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एकदम उन पे जिन सवार हो गया, जिन्ना। अरे तो जिन्ना का नाम तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया ना? नहीं नहीं, अरे तो जनता कह रही भैया 5 साल के काम गिनाओ, जिन मत सवार करो अपने ऊपर में। 5 साल का काम आपके पास कहाँ है बताओ ना? बिजली कहाँ चली गई? बिजली आप 24 घंटे देने की बात थी, 2-3 घंटे भी बिजली नहीं आती, कहाँ है बिजली भाई? कहाँ गड्ढा मुक्त आप सड़क करने की बात की थी, आप गिनाओ ना कहाँ गड्ढा मुक्त कर दी सड़कें। सड़कें गड्ढा युक्त करती 6 महीने, सरकार बनते ही कह रहे थे 6 महीने में खत्म हो जाएगा गड्ढा। गड्ढा तो सरकार के अंदर चला गया और सरकार उस गड्ढे में चली गई, सोचो आप। माने पूरे करप्शन का गड्ढा, सड़क का गड्ढा तो नहीं खत्म कर पाए, यहाँ करप्शन का गड्ढा और अपराधी। चलिए ठीक है, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।